कुछ वो ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो हमारे लिए कोई नॉर्मल पर्सन बोले तो हम तो उसको रख के थप्पड़ मार देंगे इसकी हिम्मत कैसी है मुझे ये कहने की साइकोलॉजिस्ट में

ज़िंदगी गुजारें तो आज ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू करें अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं डब्ल्यू इनकी वेबसाइट पे बेतहाशा प्रोडक्ट आपका इंतज़ार कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप बिला झिझक इस वेबसाइट पे जाइए और अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए आपको बाहिफाजत आपकी प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप तक पहुँचेगी असल खुवा अफरा वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल माय नेम इज़ मुनीर अहमद आज की मेरी पॉडकास्ट की जो गेस्ट हैं ये एक ऐसी डोमेन के ऊपर काम कर रही हैं जो कि इस वक्त हमारे माशरे में उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हर शख्स इस वक्त परेशान है कुछ लोग जनरली परेशान हैं कुछ लोगों ने अपने माहौल के इर्द गिर्द होने वाले जितने वाक़ हैं उनकी वजह से परेशानी ली हुई है और कुछ लोगों ने ये परेशानी जानबूझ की ली हुई है मैं बात कर रहा हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी की इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट हैं इनका सात साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इस डोमेन के अंदर और रोजमर्रा अपनी जिंदगी के अंदर इसी तरह के के डिफरेंट पेशेंट्स साथ ये डिस्कशन करती हैं उनको हील करती हैं इनसे डिस्कशन करेंगे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट ये डोमेन थोड़ी सी न्यू है मेरे पास बहुत ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना नॉलेज इकट्ठा कर सकूँ बाकी डेफिनेटली ये मेरी गेस्ट जो है यह उसके ऊपर रोशनी डालेंगी और एक बड़ी मजेदार सी पॉडकास्ट इनके साथ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये हमारे माशरे के अंदर क्लिनिकल

सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी लाइफ से कहाँ पे पैदा हुई और आपकी एजुकेशन कहाँ अच्छा सबी? बेसिक निश लाहौर की है लाहौर से बाहर कभी नहीं गई तो ओबियसली वो बेसिक एजुकेशन भी यहीं की है और वही मेट्रिक जो हम एक साइंस के साथ हमारे पहले जो ज़्यादातर पेरेंट्स आपको लेकर जाते हैं जी आर्ट्स में कोई आपकी आगे जाके <laughs> स्कोप नहीं है मतलब आपने जाना है तो साइंस में ही जाना है तो उसके बाद एफ प्री मेडिकल की मैंने बायोलॉजी में लेकिन वहाँ पर मैंने सोचा कि यार कुछ डिफरेंट या कुछ और सोच लेना चाहिए या सिर्फ बायो में ही जाना है तो उस वक्त मेरे पास एक स्ट्रेटजी प्लान था कि मैंने साइकोलॉजी की तरफ जाना है तो एफ एस सी प्री मेडिकल करने के बाद मैंने अपनी सारी डायरेक्शन चेंज की और साइकोलॉजी की तरफ आई इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली एज वेल कि उन्होंने कहा भाई ये तो पागलों की डोमेन है <laughs> हमारे यहाँ मशहूर ही जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं आधे पागल तो वो खुद हो जाते हैं तब मैं भी नजर आ रही हूँ कि हम लोग कहेंगे ही खुद पागल है क्योंकि हमारे यहाँ ये इतना ज्यादा टैबू बन चुका हुआ है तो उस वक्त सबने मुझे कहा लेकिन सिंगल पर्सन मेरी अपनी एक बहन ने मुझे सपोर्ट किया नहीं तुम्हारे हो तो तुम करो फिर स्टार्ट किया बड़ा मुश्किल भी था लेकिन बड़ा मज़ा भी आता था हम सोचते थे कि हम मेंटल हॉस्पिटल जाएंगे लोगों को देखेंगे स्पेशली उन लोगों को कि जिनकी लाइफ इतनी डिस्टर्ब है वो पंजाबी में कहते हैं पागलों के हॉस्पिटल जाएंगे और हम देखेंगे क्या क्या होता है लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वो बड़ा हार्ड डिसीजन था वहां पर इवन हमें गालियाँ सुनने को मिली इवन बर्तन भी खाने को मिले फीमेल अच्छा। वार्ड में तो वहाँ मैं रोना शुरू होगी कि मैंने नहीं ये करना ये तो बड़ा मुश्किल है यहाँ तो हमने कभी घर में नहीं किसी से गाली खाई डांट नहीं खाई तो यहाँ के हमें ये करना पड़ेगा तब मैं बाहर जाके ट्रैक पे वहां बैठी और मैंने सोचा यार अब क्या करना है रोई थोड़ी देर उसके बाद फ्रेश हुई नहीं यही करनी है तो फिर वहां से आप कह लें कि मैंने अपनी नीच को पकड़ा कि नहीं करना है तो अब करके दिखाना है कि मतलब आधा रास्ता तय कर लिए तो आधे रास्ते से वापस नहीं जाना तो अब यहाँ से आगे जाना ही है तो फिर ऑफिशियली आप कह लें कि सफर मैंने अपनी इंटर्नशिप के बाद स्टार्ट किया कि नहीं यार मुझे करना है तो आई हैव टू डू दिस और मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी क्या होगा उसको फिर हम लोग फन लेते थे फिर हम उन्हें भी जवाब उस तरह से

टीचर से थप्पड़ पड़ा था किसी और की वजह से मैंने वो भी खाया लेकिन मैं टीचर की फेवरेट बन <laughs> गई थी मतलब तो वो शुरू से एक आदत थी कि नहीं यार मैंने कुछ बनना है hmm. तो फिर वहाँ से था कि लोगों के बिहेवियर्स क्यों चेंज होते हैं मतलब हमारे यहाँ फेवरेटिज़म को इतना क्यों ज़्यादा आप कह लें हाईलाइट किया जाता है तो उस वक्त मेरे माइंड में आया कि अगर साइकोलॉजी में जाके हमें ये समझ आ सके hmm. कि लोगों के बिहेवियर्स चेंज क्यों हो रहे हैं हमारे इमोशंस किस तरह से हमारी जिसमानी ज़िंदगी को इफेक्ट करते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है तो ये बेसिक नीच थी कि यार मैंने इस फील्ड में जाना

के बिहेवियर हैं आजकल खासतौर पे नफ्सा नफसी का आलम है इवन आपके जो करीबी लोग हैं वो भी आपको बहुत सारे ऐसी जगह आपको फील होती है कि डिश exactly, करा रहे हैं या बाईपास करने की कोशिश करें तो उस चीज़ को खुद एज ए ह्यूमन बींग कैसे मैनेज करें अच्छा यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो हमारे अंदर इमोशंस नहीं है <laughs> हम हमें स्ट्रेस होता ही नहीं है हमें डिप्रेशन हो ही नहीं सकता हम पागल हो ही नहीं सकते नहीं। मतलब ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टैबू है लेकिन ऐसा नहीं है देखिए साइकोलॉजी से पहले आई एम एज अमन बींग मुझे भी तू? ये सारी चीज़ें होती है मतलब मैं अगर अपने चाइल्ड की बात करूँ मैं इतनी शाय थी कि मेरे लोगों के आगे आके बोलने की हिम्मत नहीं थी मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स जीरो थी कॉन्फिडेंस जीरो था और ये मैंने अपने आप को थैंक्स टू कोविड उसमें मैंने अपने आप आपको थोड़ा अच्छा। सा ट्रेन किया कि नहीं यार कुछ करना है तो थोड़ी हिम्मत पकड़ो और फिर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आई बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है देखिए कि सेंसिटिव होता है इंसान लेकिन जब मैंने इस फील्ड को चूज किया या तो मैं अपने आप को एक वही लड़कियों नाजुक लड़कियों की तरह रख सकती थी या तो मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना था कि मैं दूसरों को हील कर सकूँ लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है कि मुझे भी तो हीलिंग की जरूरत है और वेन आई फील दिस थिंग यार मुझे मसला आ रहा है मुझे कोई टेंशन हो रही है लोगों की देखे इतनी नेगेटिविटी है, अगर मैं सुनती रहूंगी और वो मेरी अंदर एक वेव जाती जा रही है तो मेरे अंदर की नेगेटिविटी जाएगी। true, true. तो उसके लिए वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये चीज थी अभी भी है जहां पर लगता है कि आपको कुछ लाइफ के ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि लेकिन वही बात है जब आपने का रोल प्ले करना है तो लिटरली आप टोटली आप उस नीच में चले जाते हैं और इसमें एक मजे की चीज मतलब तो मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा शार्प हो समटाइम्स मैं सोचती कि यार नहीं होगी यहाँ पे प्लीज ये मत दिखा ला मुझे और लिटरली वो चीज जब नजर आती है और इतनी हंसी भी आती है कि लोग आपसे छुपा रहे हैं और आपको फिर भी अनकॉन्शियसली आपका माइंड इतना एक्टिव है कि आपको सारी चीजों का पता चल रहा है तो फिर आपको चुप रहकर इंजॉय करना भी पड़ता है और समटाइम्स अगले को पता चल जाता है कि यार इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तेज है तो हमने इससे बचना है तो ये सबसे ज्यादा ना मेरे बच्चों को इसका नुकसान होता है स्टूडेंट्स वो कहते हैं कैसे साइकोलॉजिस्ट बन गए आप हर चीज हमारी नोट कर लेती हैं हम आंखों में इशारा करें लेकिन आपको पता तो चल जाता है तो ये चीजें होती हैं लेकिन वही बात है आपका लाइफ एक्सपोयर

प्रैक्टिकली कुछ चीजें करनी है तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन ली सी की जिसको हम कहते हैं कॉगनेटिव बिहेवियर थेरेपी सोच बर्ताव की थेरेपी उसके बाद मैंने हेपनोथेरेपी और एनएलपी के कोर्सेज लिए मतलब प्रॉपर सर्टिफिकेशन ली फिर मैं ट्रेनिंग्स में भी आई अपने क्लिनिकल सेटिंग को भी कर रही हूँ टीचिंग भी कर रही हूँ होस्टिंग भी कर रही हूँ मतलब सारी चीजों को एक साथ जहाँ जहाँ दिल वो कह लें कुछ शौक भी है कुछ साइकोलॉजी से प्यार है तो होस्टिंग से थोड़ा सा आपके लिए शौक है तो उन चीजों को मिक्स करके वो एक मेरे लेकर चल रही हूँ ये चीज़ है दूसरा बताइएगा कि कुछ लोग जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो बनते हैं

डॉक्टर नहीं लगता अब लोग शशके के लिए या अक्सर लोग हमें आके डॉक्टर भी कहते हैं लेकिन हाँ। उनकी जगह ठीक है उनकी बात ठीक है लेकिन जहां नहीं, मुझे नहीं पसंद या, मेरी ही नहीं है तो मैं ना अब मुझे इतना लग रहा है या, तो मैं नहीं, मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाए तो इट्स नॉट ऑथेंटिक थिंग अगर अच्छा उसके बाद अच्छा नहीं मैंने ड्यूरिंग स्टडीज ही स्टार्ट कर लिया था मैंने इंटर्न स्टार्ट की थी मतलब मेंटल हॉस्पिटल आपके लिए पी आई एम एच फाउंटेन हाउस सर्विस डिफरेंट जगहों पे मैंने पहले इंटर्नशिप की, की थोड़ा सा एक्सपोयर एक्सपीरियंस कहाँ का अच्छा, अच्छा रहा कहाँ का वर्स रहा क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल जब बंदा सोचता ही है है तो पे जो ना बड़े बड़े सबसे बड़ा अच्छा भी और बुरा भी एक्सपीरियंस करा जो जेल रोड पे पे है ठीक है, ठीक है? वहाँ पे आपको 90's के भी क्लाइंट्स मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली वो फ्री है ठीक है गवर्नमेंट का है तो लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे घर में से किसी को कोई मसला ना छोड़ जाओ पीछे से कोई खैर खबर ना लो हुँ, हुँ, अब वहां पे जब मैंने की आप यकीन माने मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो इंग्लिश में बात करें और प्रॉपर इंटरव्यू लिया मेरा और आई वॉज सरप्राइज यार सीरियसली और कहीं से लग नहीं रहा था कि उसको हेल्थ इश्यूज हैं और उसने बताया खुद कि 90s में मेरे साथ मसला हुआ मेरे बच्चे छोड़ गए और आज तक मेरे बच्चे मुझे पूछने नहीं आए तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने इसको ओल्ड एज होम जो exactly. होता है या ओल्ड हाउस जिसको कहते हैं उसके साथ लिंक करके exactly. इसको बस yes. तौर पर छोड़ दिया yes. पे और आप देखें कि हम लोग उस पर फॉलो अप नहीं लेते हैं वहां पे आप फाउंटेन हाउस है वहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं सबसे लोएस्ट फिर एवरेज और जो लेविश है कि आपको वन डे पे करना पड़ता है हुँ. आपके क्लाइंट का ध्यान रखा जा रहा है हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वहां चले जाते हैं प्राइवेट भी बहुत ज्यादा है जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो पी यानी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जाते हैं अब वहां पे कुछ ऐसी बातें थी जो बहुत ही अनवेलिड थी कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई मुझे ये कहेगा लेकिन आपको वहां पे टॉलरेट करना पड़ता है फीमेल्स की बातों को भी और मेल मतलब फीमेल जो बहुत ज्यादा थी अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है हम दो फ्रेंड्स थी हम लोग वहां पर गए तो एक फीमेल ने ना बड़ी दूर से कहा कि तुम इधर आओ और इतने वो ऐसे एग्रेसिव अंदाज से ना मैं डर गई मैं थोड़ा पीछे हो गई कहती मैंने कहा ना उसको बुलाओ जिसके वो डिम्पल बन रहे प्रिटीजेंटा की तरह और मैंने इधर उधर देखा और मैंने भागने की कोशिश की लेकिन मैं पकड़ी गई वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हम लोग गए हैं उसने मुझे अपने साथ बिठाए और बड़े अच्छे

फरेंट सेगमेंट्स हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी भी है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो डिफरेंट लोगों का एक्सपोज़र हमारा अच्छा भी रहा लेकिन वही बात है कि हम लोगों को सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है अगर मैं खुद ही वहाँ पर वो नाजुक पापा की परी बन के बैठूंगी तो मैं कभी भी <laughs> आगे नहीं बढ़ सकती थी <laughs> ठीक है ना, ना? वहां से फिर मैंने घर ही जाना था लेकिन आई हैव डिसाइडेड दैट कि मैंने कुछ करना है तो मुझे उसके लिए स्ट्रॉग बनना था तो मैंने जब ये डिसीजन लिया ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं बुरी भी लेकिन आपने जब एक दफा स्टार्ट कर लिया तो आप पीछे नहीं आप आगे की तरफ ही जाते हैं तो ये बड़ा तो आपके एक्सपीरियंस में कुछ आप अपने ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया हो या कोई ऐसे पेशेंट्स के साथ काम किया हो जिनको आपने देखा हो कि वो लास्ट स्टेज पे अपनी मेंटल हेल्थ के हैं बिल्कुल भी मतलब उनको दिन दुनिया का पता ही नहीं है लेकिन वो रिकवरी की उन्होंने और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में yes, स्टोरी बिल्कुल ऐसे दो मेरे फेवरेट क्लाइंट्स हैं जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया ना उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे करूंगी लेकिन मैंने अपना स्टार्ट इकबाल टाउन के क्लिनिक से किया था तो वहाँ एक लेडी आई थी जो कि स्वेयर डिप्रेशन का शिकार थी और वो आप कह लें सुसाइडल अटेम्प्ट के साथ थी और जब मैंने डायग्नोजिस किया तो उनकी स्वेयर डिप्रेसिव सिम्टम्स थे तो मैंने उनके साथ स्टार्ट किया चूँकि मेरी हिप्नोथेरेपी की भी कुछ सर्टिफिकेशन थी तो मैंने कुछ हिप्नोथेरेपी की को के हो है। करेंगे तो आप कुछ भी एडवांस स्टेज है, है आपकी मर्जी के बगैर हम आपसे कुछ भी नहीं निकलवा सकते हेप्नोथेरेपी बेसिकली आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इतना ज्यादा रिलीव करती है कि आपको लगता है आपके साथ कोई मैजिक हो गया और आप बिल्कुल एक नई पर्सनैलिटी बन गए हैं आपके सारे दुख और सारे स्ट्रेस आपके ब्रेन या आपकी बॉडी वो प्रॉपर एक पहले बॉडी स्कैन होता है उस बॉडी स्कैन में आपके बॉडी के सारे सिम्टम्स को हम रिमूव करते हैं मिनिमाइज करते हैं उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं आपकी इमेजिनेशन बेसिकली इसमें काम कर रही होती है और जितनी स्ट्रॉग होगी उतना ही अच्छा आपको इफेक्ट हिप्नोथेरेपी का होता है मतलब लिटरली समटाइम्स हम सोचते हैं कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्लाइंट का है वो कहते हैं जी ये तो मैजिक हो गया आप मुझे पता नहीं कहाँ ले गई थी लेकिन आई वॉज लाइक दैट कि मैं मेरी जिंदगी चेंज हो गई है मतलब बड़े अच्छे रिस्पॉस भी आते हैं ऑब्वियसली फाइव फिंगर्स आर नॉट सेम तो वो डिफरेंट होता है तो यहाँ पे मैंने उनके साथ स्टार्ट किया शुरू में थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल था लेकिन उन्होंने उन्हें मैंने यह कहा कि हमारे जो डायग्नोजिज एक क्लाइंट है ना उसके सेशन होते हैं बारह हफ्तों का बारह से पंद्रह एवरेज होता है बारह हफ्तों का सी का जो मैं बात करूं तो मैंने उनके साथ वीक में एक सेशन लिया मैंने स्टार्ट किया तीन से चार वीक्स के बाद मैंने उससे पूछा कि कैसा फील कर रही करी कहती नहीं मैं बहुत अच्छा फील कर रही करी इवन उसके घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि भैया आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए वो समझते थे कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास मेल के पास जाती है वो एक स्टिग्मा था कि लड़की के पास नहीं जा रही लड़के के पास फिर स्पेशल उसकी मदर इन लॉ को भेजा गया कि जाके देख के आओ क्या ये साइकोलॉजिस्ट फीमेल ही है मतलब ये इतने सारे हमारे यहाँ सोसाइटी में मसले हैं फिर खैर उसने बड़ा अच्छा रिकवर किया और आफ्टर ट्वेल्व सेशन आ, लिटरली सिचुएशन वही है ज़िंदगी वही है ससुराल वाले वही हैं लेकिन आपकी मेंटल स्टेट चेंज हो गई है और जब आपकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाए ना आप यकीन माने कि लाइफ इज ब्लेसिंग फॉर क्लाइंट भी था uh, a pharmacist और उसके पास वॉलेट में हर टाइम एनजाइटी की टेबलेट होती थी उसको स्वेयर एनजा थी और उसने कोई रिश्तेदारों ने कहा ये साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ ये के पास चले जाओ उन्होंने उसको दवाइया सजेस्ट की वो मेडिकेशन पे था और वो अपनी रोटेशन हमेशा हॉस्पिटल ने

कोयर में सबसे पहले उसको इतनी अच्छी एक्सरसाइजेस करवाई थी कि जब भी तुम्हारी हार्ट बीट ज्यादा हो क्योंकि उसको फौरन आदत थी कि वो खुद से पल्स रेट अपना चेक करता था मैंने उसे कहा जाओ भाई अब तुम स्टेयर ना दस दफ़ा चढ़ के आओ और उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा थी और उसको लग रहा था मैं मर जाऊंगा मैंने कहा मैं तुम्हारे सामने हूँ तुम मरोगे तो मेरे पे ब्लेम आएगा तुम टेंशन ना लो क्योंकि मैंने उसको पहले सारा वो छः हफ्तों में उसको मेंटली और फिजिकली रेडी किया था इस सिचुएशन के लिए फिर मैंने उसका एक्सपोजर करवाया और उस एक्सपोजर में उसको मैंने कहा तुम जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस मैंने तुम्हें सिखाई हैं उसको करो और लिटरली मतलब मैं खुद सरप्राइज़ थी कि अल्लाह ताला का भी करम है और ऑब्वियसली उसकी भी मेहनत थी कि उसने जब वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज की उसका पल्स रेट नॉर्मल आ गया दैट वॉज द मोमेंट कि उसे लगा यार ये एन्जाइटी नहीं थी सिर्फ मेरे दिमाग में थी, थी, थी जिस चीज़ ने मुझे हर चीज़ से रोका था फिर आप यकीन माने उसने प्रॉपर सेशनस दिए अब उसने पाकिस्तान से बाहर भी गया और उसको लगता था कि वो लाहौर से बाहर नहीं जा सकता कि गाड़ी तेज़ चलाएगा मतलब एनजाइटी में आपको ये फ़ील होता है और मेरे लिए ये दो क्लाइंट्स मेरे फेवरेट और आपके लिए सबसे बेस्ट थे कि मैंने फर्स्ट क्लाइंट से और लिटरली इनके साथ काम करके मुझे भी फील हुआ कि यार आपके पास अगर स्वेरिटी के साथ भी कोई यार है ना मतलब तो मैंने उसकी मेडिकेशन उसके वॉलेट से निकलवा के अपने ड्रॉर में रखी कि अगले हफ़्ते मैं तुम्हें दूंगी और अगले हफ़्ते हफ़्ते करते करते उसकी वो डर भी खत्म हो गया कि अब वो मेडिकेशन के बगैर आउट ऑफ कंट्री भी गया उसने मुझे वहाँ जाके पिक्चर्स भेजी कि मैडम लिटरली आपकी हेल्प की वजह से मैं यहाँ पहुँचाऊँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ को इंजॉय करने

चीजों से निकाला है तो वो फौरन उस चीज को कर सकते हैं और अगर उसको कहीं फॉलोअप सेशन की जरूरत पड़ती है वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं वैसे बहुत कम होता है लेकिन फिर भी आप कह लें कि हमने अपने आप को कोच बनाना है कि आपको अगर लाइफ में कभी भी कहीं भी स्ट्रेस हो रहा है तो आपने उस स्ट्रेस को मैनेज किस तरह एटलीस्ट बेसिक रेमेडी आपके पास exactly, होनी चाहिए अच्छा इसमें ये बताइएगा कि जो आप पूरी ट्रीटमेंट करते हैं इसके अंदर क्या आप सिर्फ उस शख्स के मेंटल के साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हैं या कुछ मशीनरीज भी यूज हो रही है कोई मेडिकेशन भी यूज होती है। अच्छा डिपेंड करता है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ अगर तो क्लाइंट की जो स्वेयरिटी है वो माइल्ड से मॉडरेट है तो हम उसको थेरेपी की तरफ लेकर जाते हैं और है। अगर इतनी स्वेर है कि रोजमर्रा की रूटीन उसकी इस हद हाँ तक डिस्टर्ब हो रही है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा उसकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है देन हम उसको डायग्नोजिस के बाद देखते हैं कि भाई इसकी जैसे डिप्रेशन है एनजाइटी है ओसीडीएस स्वेयर है उसको मेडिकेशन की जरूरत है तो हम साइकेट्रिस्ट को पहले रेफर करते हैं कि साइकेट्रिस्ट के साथ वो मेडिकेशन ले क्योंकि इन मसलों में आपके ब्रेन केमिकल्स थोड़े से इंबेलेंस हो जाते हैं और उसके बाद हम फिर थेरेपी की तरफ मेडिकेशन ने अपना काम क्या करना है आपके जो ब्रेन केमिकल हुए हैं उसको बैलेंस करेगी जो आपकी सोच है वो तो दवाई से नहीं बदल सकती हाँ। वो तो जब तक मैं खुद नहीं बदलना चाहूंगी वो नहीं बदलेंगी मतलब वो भी ऐसे है। मेरे एक टीचर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल उसकी देते हैं कि आप मेरे सामने बैठे हैं मैं कहूँ मेरा हाथ एकदम उठा आपके नाक पर मैंने कप मार दिया ब्लीड होना शुरू हो गया आपने कंप्लेन की और मैं आप कहें जी खुद मुआफे का हाथ जबरदस्ती उठा, उठा है।, है और मैं कहूँ नहीं जी मेरा हाथ खुद ही उठा है और जाके नाक तोड़ दिया मुनीर हाँ। साहब की लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक मैं अपने हाथ को डिमांड नहीं दूंगी कंट्रोल नहीं करूंगी वो कैसे आपकी तरफ आ सकते हैं इसी तरह से हमारी थॉट्स है तो ये कोई दवाइयाँ नहीं कंट्रोल करती हमारे यहाँ ये स्टिगमे है कि अगर मुझे डिप्रेशन हो रहा है या एंगजाइटी में एक गोली ले लूंगा ना मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं है वो टाइम बिग आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा लेकिन आपकी थाट को कंट्रोल नहीं कर सकता उसके लिए वापस आपने थेरेपी की तरफ आना है लेकिन डू यू रियली थिंक कि ये ये जो एंटी पेल्स जो एंटी हैं हैं एक एक मैजिकल काम करती शख्स के अच्छा लिए अच्छा देखिए मेडिसिन कोई भी हो एक वक्त तक उसका इफेक्ट होता है वही बात मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज्यादा है आपको लग रहा है आपकी सुसाइडल थाट्स हैं, हैं उसमें हम सजेस्ट पहले यही करते हैं कि आप मेडिकेशन की तरफ जाए है। उसके बाद आप थेरेपी की तरफ आए क्योंकि देखिए मेडिकेशन ने फिफ्टी अपना रोल प्ले करना है और फिफ्टी आपकी थेरेपी ने करना है और थेरेपी जब तक नहीं होगी आप अपनी सोच को कैसे बदलेंगे अब देखिए हमारी सोचों में हमारी सोच की गलतियां इतनी ज्यादा हैं हम जब डिप्रेशन में होते हैं ना हम हर चीज़ को ऑल और नन थिंकिंग की सूरत में या तो सारा कुछ ब्लैक है या सब कुछ ग्रे है हम दरमियान का रास्ता देखना ही नहीं चाहते ना ग्रे पार्ट देखना नहीं चाहते या तो व्हाइट है या ब्लैक है तो ये चीज़ बड़ी जरूरी है आप जितना कहते हैं एंटी डिप्रेशेंट अपना रोल प्ले जरूर करती है लेकिन एक हद तक उसके लिए आपको वापस थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की तरफ लाजमी आना पड़ता है ठीक है अच्छा ये बताइएगा

हम उसे कहते हैं हमें दवाई दे दें बेशक हाँ. हमारा डायग्नोसिस हो ना हो हमें दवाई दे, दे दें तो हमें फ़र्क पड़ जाएगा सही. अब साइकोलॉजिस्ट कभी भी इस काबिल नहीं होता या हेल नहीं होता कि वो मेडिकेशन दे सके साइकोलॉजिस्ट की एटीन ईयर्स एजुकेशन होती है उसके बाद वो कोई थेरेपी की सर्टिफिकेशन लेना चाहिए ऑल अप टू देम उसके बाद वो एक प्रॉपरली सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लाते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं करेगा वो अनवैलिड होगा या अनऑथेंटिक होगा जो कोई कर भी रहा है ठीक है लेकिन जो एक

उस बीमारी को डायनोज कर सकता है, है।, है। लेकिन हमारे यहाँ तो डॉक्टर ही लिखता है ना एक्सैक्टली exactly. और देखिए फार्मासिस्ट के साथ इतनी उसकी साइकोलॉजी मैच होती है वो वही दवाइयाँ लिखते हैं जो उसके पास होती हैं ठीक है <laughs> और वो मिलती भी उस क्लिनिक के अलावा कहीं से नहीं है पूरा पाकिस्तान पूरा वो कह लें आप मुल्क घूम लो तो ये दवाई सिर्फ हमारे क्लिनिक से मिलती है ऐसे ही होता है तो आपकी डोमेन के अंदर भी दगड़म चल रही है या नहीं बिल्कुल हर जगह है ये आप ये कह लें कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इससे बचे हुआ हो हम लोग बचे हुए हो क्योंकि आप देखें कि हर इंसान

हमारे पास भी आके कहते हैं जी मुझे पता है मेरे बेटे को दवाई से आराम पड़ेगा अब बेशक बीच में मैं मिठ्ठी गोली दे दूँ हाँ। अब उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि नहीं दवाई तो दी है ना मैं सही हो जाऊंगा में, मेंटल की बात करें तो ये भी बहुत सारे लोगों की साइकी है कि नहीं जब तक मेडिकेशन नहीं होगी ये बातें करने हाँ। से एक्सरसाइज करवाने से थोड़ी मिनट बिल्कुल अब आप देखें साइकेट्रिस्ट जितना बड़ा होगा ठीक है वो आपको उतना ही कम टाइम देगा फॉर हाँ। इंस्टेंस उसके पास सिम्टम्स आपके आ गए अच्छा इसको डिप्रेशन के सिम्टम्स है उसे पता है दो ये लिखनी है एलेक्टा ने लिख देता हूँ एल्प लिख देता हूँ ओके जी चले ठीक है आप नेक्स्ट अगले हफ्ते पंद्रह दिन बाद आइएगा फिर बताइएगा पंद्रह दिन आने के बाद भी वही दवाइयाँ अच्छा जी ये दवाइया चेंज कर दी एक मिनट आपकी बात सुनिए अब इसी के ओपोजिट हमारे पास आते हैं भाई हा हमारा जो एक सेशन है ना फोर्टी फाइव टू फिफ्टी का होता है हम घंटा आपको सुन रहे हैं

देके मैंने बातें करनी है तो उससे बेहतर है मैं ना करूं तो हम हाँ। कहते हैं ठीक है भाई हर एक अपना आप देखें यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो बीएस करते हैं फोर्टीन ईयर एजुकेशन और वो साइकोलॉजिस्ट बने हैं और पाँच पाँच सौ रुपए या वॉलंटियर आपको जो है वो सेशन दे रहे हैं अब वो फिर आपकी थेरेपी भी तो वैसे ही करेंगे जिनका अपना एक्सपोयर नहीं है वो आपकी थेरेपी भी उसी तरह से करेंगे फिर आप लोग कहते हैं जी साइकोलॉजिस्ट क्या फ़ायदा उन्होंने करना क्या बातें करनी है तो अब जब आपने अपना इमेज खुद से ऐसा बनवा लिया है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा जी ऑथेंटिक साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। तो ये चीज समझना बड़ी जरूरी है यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी लोगों को गुस्सा भी आ सकता है ठीक है अब हमारे हाँ मेल कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं लेकिन पहले वो देखते हैं लड़की प्यारी है या नहीं ठीक <laughs> है, है नही? डॉक्टर प्यारी है या नहीं अगर डॉक्टर प्यारी होगी फिर हम घंटा पैसे भी देकर बात कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे एक और चीज अनफॉर्चुनेटली हमारे मेल ऑडियंस को लगता ये है कि जी साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट एक ही फील्ड है हम लोगों को कॉल आती है जी आप सेक्चुअल इश्यूज को डील करते हैं मैं स्पेशल वो वर्ड्स नहीं बोलूंगी आप सब लोग समझदार हैं ठीक है हमें ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं जी हमारे साथ ये मसले हो गए हैं आप इनको डील करती हैं और हमें फिर कहना पड़ता है जी हम साइकोलॉजिस्ट हैं सेक्सोअलॉजिस्ट नहीं हैं आपके जितने भी सेक्चुअल रिलेटेड इशूज़ हैं उनके लिए एक प्रॉपर सर्टिफाइड सेक्सोअलॉजिस्ट बैठे हुए हैं अच्छा फिर हम मेल के पास जाना पसंद भी नहीं करते हमने जाना है तो फीमेल के पास जाना है अब यहाँ पे आपको भी ये चीज़ का आइडिया है कि हमने अपनी ठरक झाड़नी है और झाड़ने के ना वो हमें पता है तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है इसी वजह से कुछ लड़कियाँ इस फील्ड में आके अनकंफर्टेबल भी हो जाती हैं ठीक है कि हम अगर जा रहे हैं लोगों ने कॉल करके या मैसेज करके इतना अनएप्रोप्रिएट बात करनी है जो हमें बड़ा अनकम्फर्टेबल कर तो इसको माफिया कैसे आप डील करते हैं क्योंकि देखें आ, ये डोमेन वैसे तो है ही मेल डोमिनेंट डोमेन है तो इसमें अगर चले कुछ फीमेल आ गई हैं तो वो कैसे सर्वाइव करती हैं क्योंकि देखिए आपने यू गॉट टू डील विद लॉट मेनी डिफरेंट यू नो फेसेस आपको नहीं पता जब बंदा आ रहा है वो किस नजरिए से आ रहा है अब खास तौर पे जो आपने बात की जब उनको पता चल जाएगा कि फीमेल है और प्यारी है तो वो तो फिर नई भी इशू होगा वो बना के ले आएगा अच्छा अब इसमें ना सबसे ज़रूरी है आपका अपना स्टेमिना कितना है आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं बहुत लोग ऐसे भी आते हैं वलगर बातें भी करते हैं लेकिन यू हैव टू मैनेज इन अ वेरी वेरी डिसेंट वे ठीक है उसके बाद आपको पता चल गया ये क्लाइंट ऐसा है आप उसको दोबारा डील ना करें आप किसी और को सरी. रेफर कर दें लेकिन अगर आपके पास आ गया आप उसके सामने उसको बदतमीजी या उसको हम लोग कर नहीं सकते हाँ बहुत स्वेयर केस है आपको पता है आपके रूम के बाद सिक्योरिटी गार्ड है तो आप फ़ौरन उसको कॉल कर सकते हैं इसीलिए एक प्रॉपर वे में कहा जाता है कि जो एक साइकॉल जिसका रूम है उसके रूम के डोर में ना दरम्यान में वो कह लें कि मिरर होना चाहिए कि वो टू वे होना चाहिए और बाहर वालों को भी नज़र आ रहा है और स्पेशली जहाँ पे हम एक सेशन ले रहे हैं है। ताकि अगर खुदा ना खोवासा कोई ऐसी हंगामी सूरत हो तो वो फौरन कॉल कर सके या हम बुला सके ठीक है अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हमारे हम जाएंगे हम इनसे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उस तरह की बात कर सकते हैं अब वहाँ अगर मेरे जैसा साइकोलॉजिस्ट बैठे होगा फिर उसे वो उसी तरह से डील करेगा भाई या तुझे मैं बताती हूँ तेरा मसला क्या है क्योंकि हमें लगता है कि लड़की है तो उसके साथ हम जैसी मर्जी बात कर हाँ। ले वो उसने उसी तरह से जवाब देना है लेकिन जहां पे फिर लोग अपने आप को दिखाते हैं कि मैं कौन हूं तो आपको पता है फिर हर एक की अपनी एक है ना ज्यादातर है, है ही से है और वो एक जाबी माहिर नफ्सियात के पास रहा है तो ये कैसे दिमाग exactly. के साथ खेलूंगा मतलब आप देखें अनफॉर्चुनेटली हमारी चाइल्ड हरासमेंट इतनी ज्यादा गई है रास्ते में जाते हुए लोगों को छेड़ दिया जाता है और हमें आ, समझ नहीं आता कि यार क्या इनके दिमाग में ऐसी कौन सी लस्ट ऐसी कौन सी शतानियत है कौन सा इनका एग्रेशन है जो निकल नहीं रहा जो हम बच्चों पर निकाल रहे हैं बल्कि इस पे अभी बात कर लेते हैं ये आगे जाके मैंने पूछना था इस पे अभी बात कर लेते हैं इसपे आपको क्या लगता है कि इसके पीछे बुनियादी रीजन क्या है क्या ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी है या ये

हमारे पेरेंट्स को बच्चों की एक अब देखिए यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया ने कितना बड़ा हाइप क्रिएट की हुई है हमारे यहां लेकिन अब बच्चे वहां जो चीज देखेंगे उन्हें क्रियोसिटी होगी वो और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे अगर यही हमारे पेरेंट्स बच्चे की एक एज देखिए प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं लड़के में भी आते हैं लड़की में भी आते हैं ठीक है अब हमारे बॉडी पार्ट्स डिफरेंट है तो अब पेरेंट्स ने हमें बताना है कि भाई वट इज़ गुड टच फॉर यू वट इज़ बैड टच फॉर यू अब वो अगर हमारे पेरेंट्स ही बताएंगे और आप देखें एट्टी टू नाइनटी परसेंट लड़के और लड़की दोनों इस चीज का शिकार होते हैं चाइल्ड हेरासमेंट्यूज का का हमें नहीं पता खाला ताया मामू या किसी ने भी अनुप्रियट टच किया किसी तरह से अब्यूज किया और हम अगर, अगर अपने पेरेंट्स को बताते हैं वही स्नप कर देते हैं कोई बात नहीं तुमने नहीं दोबारा चाचू के पास जाना तुमने दोबारा मामू के पास नहीं जाना भाई ये कौन सी लाइफ है ये कौन सा समझाना है आप अपने बच्चे को समझाएं कि अगर तुम्हें कोई अनुप्रियट टच कर रहा है तुमने फौरन वहां पे या तो फौरन उठ जाना है या फौरन किसी को बुलाना है या बच्चों के बैग में वो पॉपर स्प्रे ही रख दें और कुछ नहीं हम रख सकते यानी हम अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं देना चाहते हमें, गलत गलत हाँ। तो हमें समझाना जरूरी है अब बच्चा जब प्यूबर्टी के चेंजेस आ रहे हैं उसको भी पता है मेल में भी चेंजेस आते हैं फीमेल में भी आते हैं अब जब तक मेरी मामा ने या मेरे बाबा ने मुझे समझाया नहीं होगा तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगी भाई तो ये एक्सेप्टेंस सबसे पहले आएगी फैमिली से फिर हमारी सोसाइटी का रोल है वो फिर पंजाबी में वर्ड कहते हैं कि अगर कोई मर्द बाइट छिड़ जाए घर में माँ बहन नहीं है तो वही बात आ जाती है कि घर में माँ बहन ने हमें वो तरबियत देंगे नहीं वो बताएंगे नहीं तो हमें बाहर पता कैसे चलेगा तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुदा इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने की बजाय अगर हम पॉजिटिव वे में लेना हम अपने बच्चों से ही शुरू करें हमारे बच्चे इतना आप देखें मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं इन सात सालों में मैंने देखा है नाइन्टी टू एटी परसेंट टू नाइन्टी सॉरी बच्चे जो हैं वो बड़े जाते हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज आ जाती है उन्हें उस जेंडर से नफरत होना शुरू हो जाती है ठीक है क्यों लोग फिर जेंडर चेंज करने की तरफ जाते हैं वो तो बड़ा हमें अनवेलिड लगता है लेकिन हम पीछे रीजन भी तो नहीं देखते उसके साथ बचपन में हुआ क्या है हमें बचपन में मेरे बच्चे ने बताया हम वर्किंग थे तो भाई बच्चे पे ध्यान भी तो रखना है अक्सर ड्राइवर या अक्सर कोई अनएप्रोप्रिएट टच कर देते हैं और मैं मामा को बताऊंगी उसने कहना कोई बात नहीं बेटा इट्स ओके तुमने दोबारा उनके पास नहीं जाना इवन ये तो चले हम बड़ों की बात कर रहे हैं ना आपस में देखें जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना तो आपस में खेल रहे हैं

Uh, जो है अनएप्रोप्रिएट टच हुआ है तो अब मैं कैसे इसको एक्सेप्टेंस में मान लू तो वो हमने समझाना है हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे अगर बाहर से कोई बताएगा और जो बाहर से बताएगा आप लोगों को पता है वो कैसा बताएगा वो वैसे ठीक है एग्जेक्टली घर से प्यार नहीं मिलेगा बच्चा बाहर के प्यार में लेगा और बाहर का प्यार सबको बताया आजकल का क्या है ठीक है कोई किसी का सगा नहीं है कोई किसी के लिए अच्छा नहीं है लोगों को चाहिए यूज करने के लिए और सब एक दूसरे को यूज कर रहे हैं तो इसीलिए माँ बाप के अलावा कोई और नहीं है जो आपके बच्चे को ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते तो इस चीज बचपन की जो स्टैम्प है ना yes. ये सारी जिंदगी आपके ऊपर अपना नष्ट देखे है। मेरे पास अभी रिसेंटली एक फिफ्ट सिक्सटी ईयर्स ओल्ड लेडी आई उन्होंने मुझे ये बताया कि बचपन में मेरे साथ चाइल्ड हेरासमेंट हुई मेरे अंकल ने इस तरह से टच किया जो अपने लाभ में बिठा लेते थे और बड़े गलत तरीके से टच करते थे तो मैंने अपनी मामा को बड़ी दफा बताया उन्होंने मुझे स्नप कर दिया कि रिश्तेदारी खराब हो रही है भाई रिश्तेदारी खराब हो रही है अपने बच्चे को भी तो खराब कर रहे हैं अब उसने शादी नहीं की क्योंकि उसके माइंड में वो नेगेटिव चीज़ है वो निकाली नहीं किसी ने अब आके उसको एहसास हुआ कि उस चीज़ की वजह से मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई तो भाई क्या फायदा ऐसे रिश्तेदारों को लेकर बैठे रहे मेरे अपने बच्चों का फ्यूचर आप लोग खराब कर दें तो इसलिए ये समझना बड़ा जरूरी है हमारे बच्चों को वैसे भी आजकल आपको पता है सब पता है ठीक है जो सोशल मीडिया ने रोल प्ले किया ना बच्चे को सब चीजें पता है तो अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से गाइड कर दोगे भाई क्या जाएगा हमें भी ये चीजें नहीं बताई गई आप देखें हमारी एज फेलो में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाइल्ड इवन चलते हुए रास्ते में टच कर दिया और पीछे से हंस के चले गए जाते हुए आप देखें लोग ऐसे ऐसे वाहयात काम कर रहे होते हैं ट्राउजर्स उतार लेते हैं लड़कियों को टच किया जाता है लड़कों कोई वन ऐसे टच किया जाता है मतलब पशावर... में देख लें आप yes. हमारे जो जो छोटे मतलब आ, मेरे पास ऑनलाइन क्लाइंट्स ना पुशावर की तरफ से थे और वो बेचारा बड़ा मासूम बच्चा था और वो बच्चा कहता कि मैं कैसे आपके साथ शेयर करूँ मेरे मेरे साथ मेल ने ही मुझे ऐसे किया मतलब आप ये देखें ये हालात हैं फिर उनके माइंड से वो चीजें कैसे निकले फिर हम कहते हैं जब बच्चे ड्रामे करते हैं भाई आपने उस बच्चे को उस वक्त नहीं समझा जब वो आपको समझा रहा था और जब फिर बच्चे बागी हो जाते हैं फिर पेरेंट्स कहते हैं जी हमारा बच्चा हमारे हाथ में नहीं बिल्कुल ऐसे ही और इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप बच्चे की खुद एजुकेशन घर

की अनफॉर्चुनेटली दस साल के बच्चे को प्यार हो रहा है ठीक है दे गोट फिजिकल और उसके बाद उन्हें एहसास होता है हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही हाउ कैन वी लाइक इस सिचुएशन से हम निकले कैसे हाउ कैन तक को? लेट हो चुका होता है। yes. तो ये चीज हमें समझना आप देखिए पेरेंट्स का कोई अपने बच्चों पे कोई ध्यान ही नहीं है बच्चों को पता ही नहीं है कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहा है भाई थोड़ा सा तो आप ध्यान रख सकते हैं इतना क्या बिजी है आप अपनी लाइफ में, पैसे बनाने में बिजी हैं लेकिन बच्चे की क्वालिटी नहीं बना पा रहे आप तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन एनी और जब बच्चा भी देखे ना सुसाइडल बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा रेशियो बढ़ चुकी है उसके पीछे आपको दो तीन रीजन मेजर नजर आएंगे ये रिलेशनशिप नजर आएगा या बच्चे जो है वो स्टडी का प्रेशर प्रेशर अब वो का प्रेशर या पेरेंट्स की तरफ से है जी अच्छे मार्क्स लें या यूनिवर्सिटी या, या कॉलेज की तरफ से प्रेशर है और आप देखिए तो आप आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे कट्स के निशान हाँ, ये, स्पेशली ये बिल्कुल ये है? हमने वो इग्रेशन हम बाहर नहीं निकाल सकते हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते तो घर में रह के अकेली मैं क्या करूं मैंने अपनी बॉडी को अपना वो जो है वो साथी बना लिया तो मैं अपने आप को से या डिफरेंट चीज़ों से कट्स लगाना शुरू कर दूंगी अब यही यहाँ है हमारे पेरेंट्स को समझना देखें जैसे हमारे नाइन्टीज़ के पेरेंट्स हैं ना अब के बच्चे वैसे नहीं हैं हाँ। तब हम हम मारते भी थे ना बच्चे बाज बाज आ जाते थे अब के बच्चे ऐसे नहीं है और हमारे वो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें मारा है हम भी आगे अपनी औलाद को मारेंगे तो समझेंगे भाई ऐसा नहीं है इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है टाइम चेंज हो यस टाइम चेंज हुआ है आपकी मीडिया चेंज हुआ है आपकी हर चीज चेंज हुई है तो आपको भी तो थो थो थोड़ा चेंज होने की जरूरत है ना मतलब बचपन में मेरे अपने फादर हमें फोन अलाउ नहीं करते थे बाबा घर में आते थे हम डर जाते थे और खामोशी हो जाती थी टीवी टीवी अलाउ अलाउ नहीं नहीं मतलब इवन हम लूडो खेलते थे बाबा आके फाड़ के उसको फेंक देते थे मतलब इतना हम डरते थे लेकिन वक्त के साथ जब बाबा को ये फील हुआ कि बच्चों की जरूरत है इंटरनेट उन्होंने वो भी लगवाया बच्चों की जरूरत है मोबाइल उन्होंने वो भी लेकर दिया मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये सारे फेस देखे हैं हम डरते भी थे हम कहीं अकेले बाहर नहीं जा सकते

2019 में 18 में सॉरी तो मैं बड़ा डरती थी बाबा को पता चला वो क्या कहेंगे सोशल मीडिया पे आ गई हूँ अपने वो जैसे हम पहले वो नकली आई से बनाते थे फेसबुक वो बनाई लेकिन फिर मैंने अपने एक्चुअल अकाउंट से बनाई पिक्चर नहीं अपनी लगाई डर लगता था फिर जब सोशल मीडिया इस तरह किया बाबा ने मेरी वीडियोज़ सुनी तो मैं ऊपर रूम में छुप के वीडियोज़ बनाती थी लाइव जारी होती थी इलमि सिटी मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म था बाबा ने जब सुना कहते हैं हमारी बच्ची तो अच्छा बोलती है उन्होंने एक मुझे स्पोर्ट दी मेरा वो डर खत्म हुआ तो दिक फिर दिक मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ तो यही चीज़ है कि आपके स्पोर्ट आपके बैक पे ना तो आप कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं सिर्फ है। आपको आपकी वैल्यूज और आपके राइट right ट्रैक का पता होना चाहिए कि वट इज़ रॉन्ग फॉर मी और वट इज़ राइट फॉर मी तो असल तरबियत असल तलीम यही है जो हमने करनी ही और देखें बच्चे जो है ना इनका जो शुरू किए जो खासतौर पर मैं मेट्रिकुलेशन से पहले की बात करूँ यहाँ पे जो बच्चे ने आपको एजुकेशन दे देना वही काम आने yes. आ गया जाकर क्योंकि वंस ही शी इज़ इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज फिर आप भूल जाएं कि फिर आप उसको आ, उसकी सिम दुरुस्त कर पाएंगे या उसकी एक्टिविटी को छुड़वा पाएंगे तो शुरू के, बच्चे को के जो साल है ना पेरेंट्स की जरूरत है वही बात तो है कि हमें बच्चों की बेसिक वही पहली तलीम का कहा भी जाता है माँ है घर है आपका बच्चा वहीं से सीखता है तो अगर हम उन बच्चों को वही माहौल देंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा तो हमें ये देना बहुत जरूरी आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे के अंदर इस चीज को ही बुरा समझा जाता है है हो हो या साइकोलॉजिस्ट जब ये वर्ड सामने आते आते हैं 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 ना तो तो आग बगोल आ जाते लोग पागल पागल है? तो, क्या वजह कि हमारे देखें, अब, हमारी बॉडी के अंदर लालता ने इतने सारे पार्ट्स रखे हैं किसी भी पार्ट में सर में दर्द होगी ना फॉरन पैराडोल हार्ट का इशू हो गया तक करवा लेंगे लीवर का इशू हो गया ट्रांसप्लांट तक करवा लेंगे लेकिन दिमाग की बारी आती है तो क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर इसको एक ऑर्गन नहीं माना जाता क्यों इसको ये नहीं माना जाता या नहीं करते कि ये भी बीमार हो सकता है इसको भी सबसे पहले हमारा जा रहे तो है मेरे घर वाले मुझे रिजेक्ट कर देंगे मेरा स्पाउस मुझे रिजेक्ट कर देगा भाई मेरा शोहर या मेरी बीवी पागल है मतलब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे है पागल है मतलब हम खुद मतलब वही बात सुनने को मिलती है जो साइकोलॉजी पढ़ाई आपको कहीं दर्द होती है तो वो फीलिंग तो से आ रही है लेकिन हम उस पार्ट को ऐसा निग्लेक्ट करते हैं कि वो हमारी बॉडी पार्ट का हिस्सा ही नहीं है हमें लगता है कि हम अगर हमारे दिमाग में Chemical भी चेंज हो रहा है हम दवाई ले ले, हम किसी के साथ शेयर ना करें देखिए काउंसिलूव करना, का करना चाहिए आप उसको करें सुबह उठ के अपने आप को अल्लाह करें ग्रेटिट्यूड लेकर आए एक अच्छा दिन मैं अच्छे अंदाज से गुजारूंगा कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया प्यारा बनाया जैसा भी बनाया मैं खूबसूरत हूँ इन माई ऑन वे ठीक है हम ये चीज़ नहीं समझते तो जब हमें हम समझते हैं कि सोसाइटी को पता चलेगा तो मुझे गलत समझा जाएगा अब बहुत सी एलीट क्लास भी हमारे पास आती है वो आके यही सबसे पहली बात है कि आप किसी से शेयर तो नहीं करेंगे हालांकि <laughs> हमारा ये एथिकल रूल है हम शेयर नहीं करते लेकिन लोग डरते हैं कि अगर किसी को पता चलेगा मैं थोड़ा सा देखिए स्ट्रेस सबको होता है आपको भी किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस होगा ठीक है।, है डिप्रेशन भी हो सकता है एनजाइटी हो सकती है कॉमन हो चुकी है हमारी फाइनेंस mm. इतनी डिस्टर्ब है हमारी जिंदगी इतनी डिस्टर्ब हैं हमारे हालात इतने डिस्टर्ब हैं हम सब कहीं ना कहीं जहनी दबाव का शिकार है mm. भाई उस जहनी दबाव को निकालना कैसे है मे बी आपको रास्ते पता है लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे mm. एक प्रोफेशनल आपको हेल्प करेगा कि आपका ट्रैक क्या है हमने कुछ ऐसा वैसा नहीं करना हम तो दवाइयां भी नहीं देते अगर लोगों को डर लगता है ना कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे दवाइयां

आपको सिखाया जाता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को मिनिमाइज कैसे करना है सेकेंड हाफ में आपको सिखाया जाता है आपने अपनी एक्टिविटीज को किस तरह से स्केजल करना है आपको अगर रिलैप्स होता है आपने एक्सपोयर करना है आपके माइंड की सोच की गलतियां क्या हैं भाई इतना कुछ है और एंड पे हमने आपको इंडिपेंडेंट अपना खुद का थेरेपिस्ट बनाना है तो ये तीन दो तीन सेशंस में नहीं होगा नहीं हो हमें लगता है कि दो तीन सेशन में करके हम काम, काम न बेड़े तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अच्छा ये ये जो हो हो हमें जो आपके जो होता है है अंडरस्टैंड करना आपके सेशंस हैं इज इट मोर टुवर्ड्स द मोटिवेशनल स्टफ या क्या किस तरह नो इसमें आपके मोटिवेशन तो आपके अपने अंदर है कि आपके अंदर मोटिवेशन है कि मैंने सेशन लेने हैं एक सेशन में मैंने जो एक्टिविटीज आपको करवाई है फॉर इंस्टेंस पहले सेशन में मैं सिर्फ आपके साथ एक रेपो डेवेलप करूंगी आपको साइको एजुकेट करूंगी आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताऊंगी अब हमने ऐसी सिलेक्टिव ब्रीथिंग एक्सरसाइज रखी है जो नॉर्मली सांस लो मुंह से निकालना है ये नहीं है हर डिफरेंट इशू की डिफरेंट है ठीक है अब वो हम जब हमारे पास जब क्लाइंट आके अपना इशू बताता है हम उसको उसके अकॉर्डिंग गाइड करते हैं अब बॉडी स्कैन डिफरेंट है पी एम आर जिसको हम पटो की वर्जिश कहते हैं जिनको स्लीप का इशू है उसके लिए कलादा से एक्सरसाइज मैंने रिकॉर्ड की होती है और वो उसको मैं शेयर करती हूँ कि रात को सोने से पहले आपने ये एक्सरसाइज करनी है और वो आपके बॉडी को रिलैक्स करता है आपके माइंड को रिलैक्स करता है ऐसा नहीं कि आपके पास कोई आया आपने चार मोटिवेशन की बातें बड़ी बड़ी करके उसको चल नहीं ये सबसे ज्यादा जरूरी समझना यही है कि मोटिवेशन

पर आपके पास प्लेटफॉर्म है एक प्रॉपर आपके पास सर्टिफाइड कोई भी कोई भी वो फील्ड का हो सकता है डॉक्टर है टीचर है ट्रेनर है वो आपको उसी डोमेन में हेल्प करेगा अगर एक ट्रेनर है आपका टीचर आपको गाइड कर सकता है लेकिन कभी भी आपका टीचर आपकी थेरेपी नहीं कर सकता वो आपकी काउंसलिंग कर सकता है लेकिन आपकी बीमारी का इलाज नहीं बता सकता वो भी आपको मशवरा ये देगा कि यार तुम प्रोफेशनल किसी के पास जाओ वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा गाइड करेगा तो यही चीज़ हमने समझना है कि अगर हमें किसी भी किस्म की कोई भी जहनी दबाव का शिकार है तो हमें किसी ना किसी प्रॉपरली एक कंसल्टेंट को फॉलो करना है वो कोई भी उस

में, मुझे जो फील हुआ है पिछले कुछ चार पांच साल में ये डोमे खासतौर पे सोशल मीडिया की वजह से इस डोमेन के अंदर काफी अवेयरनेस आई yes, है इवन पेशेंट को भी और yes. जो आप जैसे प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा करके आगे लेके आए अच्छा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिये वीडियोज हैं मरहम पे मेरी वीडियोज मौजूद है यूट्यूब चैनल पे है अब वहां पे कोई ना कोई सुनता है उसको लगता है मुझे सिम्टम है वो हमें अप्रोच करता है अब मेरे पास यहाँ से ज्यादा ब्रॉड के क्लाइंट्स हैं और वो अच्छा पे भी कर जाते हैं मतलब एक अगर उस तरह से भी बात ना ठीक है ना उन्हें

बड़ी आपकी जो कंपनीज हैं उन्होंने स्पेशली साइक भी रखा हुआ है और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं उनके पास सारे क्यों उनको पता है कि भाई इतना मतलब टफ इन्वायरमेंट है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होना है और exactly. वो और वो इस चीज को इंकरेज करते हैं कि उनके इंप्लॉयिज जाए सेशन लें कहीं पे आपको कोई मसला मसाइल है तो निकले अच्छा भाई तो भाई इसमें मुझे ये बताइएगा कि लाजमी है कि इंसान किसी मुश्किल में आए तो आप लोगों के पास आए समाइम आपको देखिए थोड़ा सा होता है ना आप एक लेवल पे आ गए आपको अभी एक लेवल ऊपर जाना है लेडर ना, है ना लेडर हेल्प है तो करते हैं जहाँ आपको फील हो रहा है।, है लेकिन यहाँ पे एक आ जाती है हमारे दोस्त हमें लेट डाउन ज्यादा करते हैं ठीक है तू नहीं कर सकता ड्रामे कर रहा है या इस तरह से हम लोग करते हैं हमारे पेरेंट्स हैं हम उनसे मशवरा लेते हैं कुछ बहुत अच्छे पेरेंट्स भी हैं बेटा नहीं तुम कर सकते हो लेकिन कुछ कहते हैं हमें पता है हमारा बच्चा इतना नहीं है ये नहीं कर सकता तो वो इंक्रेजमेंट ही नहीं मिल रही फिर उन्हें चाहिए एक प्रोफेशनल हेल्प या कोई अच्छा मैंटोर या फिर आपके पास ऑप्शन बनता है साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो आपको गाइड कर सके कि भाई आप किस डोमेन में जा रहे हैं वही बात है कि रियलिस्टिक वे ज़्यादा जरूरी है रादर देन कि आप फेक किसी की बातों में आके कोई आपको कह रहा है नहीं तुम बहुत अच्छे हो मुझे पता है तुम कर ही लोगे अब इससे आप कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते आपको अपने कम्फर्ट जोन से एक ऐसे जोन में निकलना है जहाँ आपको मुश्किल तो आएंगी लेकिन आपने उनको सोलूशन ओरिएंटेशन की तरफ जाना है हम सुल

कोई ऐसा इंसान नहीं गाइड कर पा रहा तो प्रोफेशनल हेल्प आर देयर हर जगह पे हर मुल्क में हर सोसाइटी में ठीक है सिर्फ हमें जरूरत है उसको ऑब्जर्व करने की और उसके पास जाके एक अच्छा मशवरा लेने की बिल्कुल और मुझे जो लगता है बहुत सारे हमारे जो यंग बच्चे हैं ना वो डी ट्रैक होते ही इस वजह से हैं कि वो किसी ऐसे शख्स के पास चले जाते हैं जो कि उस डोमेन का रेलिवेंट बंदा नहीं, नहीं है।, है। अब मिसाल है। के तौर पे जिसमें मैं आपको पॉडकास्ट के शुरू में ही कह रहा था कि मेरा जहाँ पे मेडिकल का कोई गेस्ट आता है ना तो मेरा नॉलेज बड़ा लिमिटेड हो जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ भाई अपनी औकात में ही रहूं ज्यादा बड़बड़ के बातें अब कोई आई का बंदा आएगा ना तो मैं उसके साथ चार घंटे की भी पॉडकास्ट कर लूंगा क्योंकि yes. मेरी डोमेन है एक्जैक्टली अब मैं उस डोमेन में इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा जहाँ पे या इतने ज्यादा अपना जो है टूस एंड टाइड नहीं करना चाहूंगा जहाँ पे मेरे पास नॉलेज ज्यादा नहीं है मुझे सीखना है अब यकीन करें कि मैं जितनी अपने बातें मुझे बहुत सारी नई चीजों का पता चला है अब हम यही समझते हैं क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से हूं

साढ़े छः साल हो गए बाहर से वापस आए हुए अच्छा। मैं बाकी सब चीजों में एडजस्ट कर गया हूँ आज तक मैं रोड कंडीशन में लाहौर की एडजस्ट नहीं कर रहा मुझे आज भी वो दुबई के ट्रैक वो सारी चीजें मैं कहता हूँ क्यों मैं आज भी सिग्नल पर रात के तीन बजे रुकता हूँ लेकिन डर होता हूँ कि कोई इधर से आएगा कोई इधर से आएगा क्योंकि है वो तो है ना चीज़ें लेकिन रुकता हूँ आज भी मैं लेन का ख्याल रखता हूँ लाइन और लेन दोनों का ख्याल रखता हूँ exactly. मैं आज भी कोशिश करता हूँ इस चीज की कि यार किसी को मतलब तंग नहीं करूं अगर खासतौर पे किसी कट पे खड़े हैं ना आप दुबई का रूल ये था कि एक एक गाड़ी जाएगी एक exactly. इधर से, yes. से आ रही है दूसरी इधर से आ रही है अब यहाँ अगर आप एक को रास्ता दे दें तो पीछे <laughs> मैं आज तक एडजस्ट नहीं हुआ अब मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए कोई ऐसा बंदा साथ बैठ के बता दे कि भाई वापस आ जा बहुत हो गई इनी के बीच में रहना है hmm, exactly. तो दुबई का माहौल नहीं Basically, मिल सकता। पता है क्या वो एक स्ट्रक्चर्ड जगह थी हाँ. अब आप आए पाकिस्तान है कुछ भी होता है ठीक है अनफॉर्चुनेटली मैं इसको बुरा नहीं कह रही वो हमें बहुत प्यार भी है लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, अब आपके अनकॉन्शियस माइंड अभी तक दुबई में है, है? लेकिन आप हाँ. उस चीज को अभी तक कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर पाए यू नीड टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन और वही बात है वो एक प्रोफेशनल आपको हेल्प आउट कर सकता है कि वो आपको बता सकता है कि यार कैसे आपने इस सिचुएशन से निकलना है। क्योंकि देखें जहां हम रह रहे हैं हमें कॉन्शियसली भी उधर होना चाहिए लेकिन कॉन्शियसली <laughs> आपका माइंड वही है अब आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में भी जाऊँगी दुबई वाली चीजें है ना वाली क्योंकि वो चीजें आपने बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में देखी और यहाँ पे आके जब चीजें डी होती है ना तो हमें डिस्टर्ब करती है अब इस चीज के लिए प्रोफेशनल्स मौजूद है जो आपको प्रॉपर एक इंटरवेंशन इसमें आपको हेप्नोथेरापी हेल्प आउट कर सकती है कि मैं आपको वहां से आपके एक्सेप्टेंस यानी आपके प्रेजेंट में लेकर आ सकूं ताकि एटलीस्ट कि आप अपनी चीजों में अब देखिए समटाइम्स ऐसे मसले भी होते हैं जो हमें डिस्टर्ब नहीं कर

कि हमें समझ नहीं आता कि हमने इस चीज से निकलना कैसे है हमारा ब्रेकअप हो गया है लेकिन फिर भी हम लास्ट सीन उस बंदे का चेक कर रहे हैं ठीक है <laughs> फिर भी फिर भी हम जाके किसी दोस्त के थ्रू चेक करें वो जिंदगी में आगे मूव ऑन किया या नहीं ठीक है <laughs> वो कर भी गया लेकिन हम लोग स्टक है अगला इंसान मूव ऑन कर गया है तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे नहीं जी मैं उसकी यादों के साथ बड़ा खुश हूं भाई यादों के साथ जिंदगी नहीं जी जाती तो सबसे बड़ा एलिमेंट ये है ठीक है दूसरी चीज आ जाती है आपके कुछ देखें रिलेशनशिप वही बात है कि आगे आपके शादी लाइफ में इशूज आते हैं तो हम उस चीज को इतना ज्यादा मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि चीज़ें डिवोर्स रेट तक चली जाती हैं हमें मिसकम्यूनिकेशन इतनी है कि हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते दो लोगों की शादी हो रही है डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के क्या मिले तो आपको एक दूसरे की पर्सनालिटी को समझना चाहिए करना चाहिए अब आप नहीं समझेंगे तो फिर डिवोर्स आपके पास आ जाती है ठीक है उससे आपको मेंटल हेल्थ हो रहे हैं फिर आपकी फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं हो रही ठीक है लोगों के साथ आपके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कम है आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपके लिए एनजाइटी तो हर सौ में से चौथे या पांचवा इंसान को हो रही है इतने खुशहाल अभी आज भी आप किसी गांव में चले जाए चक्कर मेहनत करते हैं रात को बेहोश हो के सोए होते हैं हम यहाँ पे रातों को चार चार बजे तक फिर लोग नहीं ले रहे होते हैं यार वो उसकी याद में मुझे नींद नहीं आ रही सारा दिन हमने कोई मेहनत करनी नहीं हम लोग बैठे रहते हैं फोन यूज करते रहते हैं तो हमारी बॉडी फिजिकल नीड उसकी पूरी नहीं हो रही तो कैसे नींद आएगी भाई आपको तो ये फियर्स है बेसिकली एनजाइटी है घबराहट की बीमारी अब वो उसमें फियर्स की बड़ी टाइप्स हैं आपको हाइट से भी डर लगता है आपको किसी जानवर से भी डर लगना शुरू हो जाता है आपको रोड से डर लगता है आपको लोगों के दरमियान जाके बात करने से डर लगता है तो इन्जाइटी में भी आगे ढेर सारी टाइप्स हैं से हर इंसान की डिफरेंट आप कि हैं वो फिर हर इंसान का मसला भी डिफरेंट है, है। एक एनजाइटी का अगर है, जरूरी नहीं है तो ये बेसिक है वो ओसीडी है बाइपोलर है वो तो इंटेंस है उसमें तो मेडिकेशन कंपल्सरी है डिप्रेशन एनजाइटी जो छोटे छोटे हम कहते हैं इसमें मेडिकेशन के बगैर भी आपका थेरापूटिक इंटरवेंशन इलाज है सकता है। लेकिन जैसे ओ है अगर वो स्वेयर स्टेज है फर्स्ट स्टेज है तो कोई मसला नहीं उसमें आपको मेडिकेशन के बगैर भी हेल्प हो सकती है लेकिन अगर स्वेयर स्टेज है उसमें आपको लाजमी मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता तो इसमें भी आप लोगों की स्पेशलाइजेशन होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक जैसा आप अगर कहें जी, मैं जो है ना की स्पेशलिस्ट हूँ या मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मेरा इसमें है एडल्ट या चाइल्ड अच्छा। ठीक है जैसे मैंने ऑटिज्म के साथ भी डेढ़ से दो साल काम किया ऑटिस्टिक चाइल्ड आपको पता है एक स्पेशल बड़ी एक डिफरेंट डोमेन है फिर मैंने एडल्ट्स के साथ भी काम किया मुझे ज्यादा मजा फिर आया कि मुझे समझ आई कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा कहा है मैं उसी पर फिर ज्यादा प्रैक्टिस करूँ फिर मैंने अडल्ट की तरफ अपना ध्यान ज्यादा दिया मुझे इसमें ज्यादा आप कह लें मैं भी इंजॉय करी थी मुझे ज्यादा मजा आ रहा था और ज्यादा काम कर पा रही थी तो मैंने फिर अपनी नीच को अडल्ट में रखा अब हर एक का डिफरेंट है कुछ ऑटिज्म की तरफ चले जाते हैं कुछ हेल्थ साइकोलॉजी की चले जाते हैं है। कुछ क्लिनिकल में आते हैं कुछ क्लिनिकल में नहीं भी आते हैं okay. क्योंकि वो पढ़ते जरूर है लेकिन उन्हें वो, कहलें वो कि मैं को डील तो हाँ। कर नहीं करना मेडिटेशन और फिर आप बिल्कुल कहीं पहाड़ों में जाने का भी एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है फिर एक आजकल नया जी समुंदर पे जाके बैठ जाए समुद्र की जो वेव्स है वो खामोशी से सुने

जरूर करती है उसकी एक प्रैक्टिस है ठीक है योगा हेल्प करता है लेकिन उसकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस है अब आप ये कह लें कि भाई बैठ के आपने एक सांस लेना शुरू कर देना दैट्स नॉट योगा दैट्स नॉट मेडिटेशन हिप्नोथेरेपी में भी हम डिफरेंट स्टेज में लेकर जाते हैं उसकी इनिशियल स्टेज कुछ हो रहा है फाइनल स्टेज कुछ हो रहा है वो भी आपको प्रैक्टिस करने से मिलता है अगर आप कहें जी प्रैक्टिस के बगैर ही आप हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हर एक चीज का एक अपना इफेक्ट है योगा मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है लेकिन अगर उन्हें आप प्रैक्टिस करते हैं अब आप कहते साल में एक आप महीने का टूर कर लेते हैं उसके बाद वापस आके तो आपने उसी बोस को देखना है वापस आके आपने उसी उसी बीवी को को घर वालों को देखना है तो कैसे आपका डिप्रेशन तो इसको आपने एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्टेंस के साथ प्रॉप करना है कि भाई मैंने इस डिप्रेशन से कैसे निकलना है जगह चेंज करना इज नॉट द दोल्यूशन असल जो प्रॉब्लम है यू हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम और फाइंड आउट अ गुड सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम तो वो एक अच्छा सोल्यूशन है ठीक हो गया तो इसमें आ, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आ, तो क्या उसके साथ साथ आपकी अपनी भी जो है मतलब एक्सपर्टीज लेवल जो है डिफरेंट आता है कि एक लच से जूनियर के पास हम जा रहे हैं बहुत सीनियर के पास जा रहे हैं तो इससे फ़र्क पड़ता है क्या अच्छा फ़र्क ये है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है अब मेरे पास मेरी सीनियर भी है लेकिन उसने कोई क्लाइंट ही नहीं देखा उसका एक्सपीरियंस का काउंट होगा अब मैंने एक क्लाइंट सीखे है मेरे पास स्टोरीज है मैं जैसे बता रही हूँ मेरे एक क्लाइंट है उसने ये किया एक क्लाइंट ने ये किया अब आपके पास क्लाइंट आते हैं आपको पता चलता है अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो शायद आपने कभी ना सुना हो फिर आप उस पर वर्क भी करते हैं कि अच्छा मेरे क्लाइंट की ये डिमांड है मुझे उसके अकॉर्डिंग अपनी थोड़ी सी लर्निंग अच्छी करनी है ठीक है ना तो ये वेरी करता है ज़रूरी नहीं है जूनियर सीनियर से कुछ नहीं होता आपकी जो एक्सपर्टीज है जो आपका एक्सपीरियंस है हाउ टू डील विद द क्लाइंट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अब मैं अगर क्लाइंट आया है बैठी रहूं अच्छा मैं उसका सुनती रहूं पांच मिनट मैंने सुना है और पैंतालीस मिनट मैं उसे अपनी सुनाऊं तो कैसे पॉसिबल हालांकि तो मैं बहुत ऑक्टिव हूँ लेकिन मुझे पता है जहां पर मैं साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ मेरी लिसनिंग स्किल्स को काम करना चाहिए मैं अगले का प्रॉब्लम सुनू फिर आखिरी टाइम पे मैं उसको बताऊं कि अच्छा मैंने आपका सुन लिया अब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आपने किस तरह से हेल्प हो हाँ ये सही है।, है और आप ये समझती हैं कि हमारे यहाँ जो इसकी प्रैक्टिस हो रही है या जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं और जो टेक्निक बाहर यूज़ हो रही है खासतौर पर अगर हम बात करें हमारे हमसाय मुल्क इंडिया के अंदर क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो है ना बहुत मिच्योर तरीके से ली जाती हैं कंपेयर टू yes. तो और सोसाइटी और वहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो मैं समझता हूँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं Yes. क्योंकि वहां पे आ जो कमर्शियल रेस है ना वो <hans> हमारी नस्बत है जादा तो जितना आप कमर्शियल रेस में जाएंगे लेकिन बेसिक जो रूट्स है ना जैसे सीबीटीटिव बिहेवियर थेरेपी आपकी कोग्नेशन आपका बिहेवियर वो एक बेसिक जो हमारा है वो सेम है बेसिक वहाँ पे भी साइकोलॉजी सेम है ठीक है हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो शिकागो और वॉशिंगटन और पता नहीं कहा

चीजें है, है, है ना बेसिक हमारी चीजें सेम है हमारा थेरापटिक इंटरवेंशन का डिजाइन स्टाइल सेम है लेकिन वहां वहाँ पे चीजें वहां पर आप कह लें मेडिटेशन और मुराकबा की चीजों को ज्यादा हाईलाइट हाँ, किया जाता है यहाँ पे इतना नहीं है ठीक है हम उस चीज की तरफ जाए तो लोगों को शायद लगता है खामोशी के साथ बैठना ये क्या हुआ ठीक है उन्होंने तो थोड़ा रिलीजियस के साथ भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पे करते हैं कुछ लोग जिनका रिलीजियस परस्पेक्टिव स्ट्रॉग है वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन जिनका नहीं है ना वो कहते हैं चलो जी अब ये हमारे घर वाले भी कहते हैं नमाज पढ़ो दीन की तरफ आओ दीन से दूरी हमें नफस्यात मिसाइल का शिकार करिए इट्स ट्रू लेकिन अगर मैं अपने क्लाइंट को पहले ही सेशन में कह दूं तुम जाकर नमाज पढ़ो तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा वो कभी भी दूसरे सेशन में मेरे पास नहीं आएगा अब मुझे उसके तरीके से उसको कहना है मुझे रिलीजियस के करीब लाना जरूर है लेकिन ऐसे फौरन नहीं मुझे पता है मेरा क्लाइंट का वीक पॉइंट क्या है मैंने उसको स्ट्रेटजी के साथ साथ लेकर चलना है मैं उसको उसी ट्रैक पर लेकर आऊँगी जैसे उसने कहा है उसी रिलीजियस के पास लेकर जाऊंगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी का पलड़ा जो है मैं उसको पकड़ाऊंगी एकदम ये नहीं कहूंगी ऊपर से छलांग मार दो तुम सही हो हाँ, तो, तो मैं ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, है। बहुत शुक्रिया माफिया आ, बड़ा मजा आया मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था डेफिनेटली मैंने बहुत सारी चीजें इससे लर्न की और आ,

कि जस्टिफाई कर सकूं, जो सामने गेस्ट बैठे हैं उनकी जो डु, डोमेन है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर कर सकें और आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके अपना ख्याल रखेगा अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा टेल दैन अला